जहां तक हमने पढ़ा है, आप भी जरूर पढ़े होंगे कि सभ्यता नदी किनारे ही विकसित हुई थी, एक नदी किनारे। कोई भी सभ्यता विकसित हुई थी तो एक नदी के किनारे। लेकिन झारखंड का गढ़वा दो नदियों के किनारे विकसित हुई, दानरो और सरस्वती। जिस तरह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आप जब जाते हैं तब सरस्वती नदी अदृश्य हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ यानी गढ़वा जिला मुख्यालय में सरस्वती नदी अदृश्य नहीं हुई थी, पूरी तरह वह अविरल बहा करती थी। उस नदी से में लोग स्नान किया करते थे, उस नदी के पानी का सेवन किया करते थे। मैंने यूं कहे कि नदी पूरी तरह से उपयोग में थी, लेकिन आज वह नदी पूरी तरह से अस्तित्वहीन होकर रह गई है, वजूद ही नहीं रहा। हम एक लाइन में अगर कह दें कि वह नदी नाले का स्वरूप ले ली है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आप भी उससे हर रोज दो चार हो रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं। दो सवार कोई बाहर के लोग नहीं, हम आप खुद हैं, हमने आपने उसे अस्तित्वहीन किया है। नदी को बचाने की कवायद कई बार हुई लेकिन सफलीभूत अभी तक नहीं हुई। यह तो बात सरस्वती की हो गई, हमने दो नदियों की बात की। एक नदी और है दानरो, वह भी उसी हालात में आगे बढ़ रहा है। वह भी नदी का पाट जितना चौड़ा था आज संकुचित हो रहा है वह पाट। अगर पहल नहीं हुई, अगर कोशिश नहीं हुई तो वह नदी भी सरस्वती के मानिंद उसी के माफिक अस्तित्व विहीन होकर रह जाएगी। पूरी तरह से दो नदी के किनारे हम विकसित हुए थे, दोनों नदी हमारे नजरों के सामने ही विलुप्त होकर रह जाएगी। एक बात यहां कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम आप जब सदर अस्पताल में जाते थे तो कहते थे कि हे भगवान, इस अस्पताल की हालत कब सुधरेगी। हम यहां आते हैं मरीज बनकर, हमको रेफर हो जाना पड़ता है। आज आलम यह है कि उस अस्पताल में हमारा इलाज हो रहा है, समुचित व्यवस्था हो गई है। दो लोगों का श्रेय जाता है, एक तो जो यहाँ स्थानीय विधायक सह सूबे के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो हैं ही, उनकी सार्थक पहल हुई है। लेकिन उसे उस हालात में पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा श्रेय है तो वह है उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि कंचन साहब। अस्पताल की स्थिति बदली, कायाकल्प हुआ, तो आज कंचन साहू द्वारा एक बड़ी पहल की गई है इन्हीं दो नदियों को बचाने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीर में देखिए कि कंचन साहू और शमशाद खान दो लोगों को द्वारा जिले के उपायुक्त रमेश भोलो को आवेदन दिया जा रहा है, दूसरी ओर एसडीओ जो है राजमहेश्वर मुंह को और नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी जो है संजय पांडे, उनको तीनों अधिकारियों को आवेदन दिया गया। उस आवेदन में मात्र यही उल्लेखित है कि दोनों नदियों को बचाइए। हमारे साथ खुद कंचन मौजूद है। कंचन जी, हम इस मांग पर आए, इस आवेदन पर आए, उससे पहले हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि नदी किस स्वरूप में था। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई, वह जो आज दानरो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है, वो किस स्वरूप में था नदी हमारे। मात्र 15 से 20 सालों पहले आप देखे होंगे कि घर की महिलाएं कपड़ा धोती थी, खाना पकाने के लिए वहां का चिवाड़ी से पानी लेकर जाती थी, लोग स्नान करते थे, जलाशय में भरपूर पानी 2400 घंटे और सालों भर रहते। अगल बगल जो क्षेत्र हमारा शहर का है, 20 फीट के हैंड बोरिंग से ही पानी निकल जाते थे। आज ये आलम है कि आज 1000 फीट भी नीचे आप जाएंगे तो पानी का समस्या समाप्त हो चुका है। और आज नाली के रूप में, बहुत दुर्भाग्य है कि नदी को हम लोग नाली के रूप में अब देखते हैं। हमारे नए जनरेशन को पता ही नहीं कि ये नदी है, सारे लोगों को पता है कि नाली है, और नाली ही नहीं है, कूड़ेदान का पूरा अड्डा बन गया है और स्थान हो गया कूड़ेदान का। और इसका बहुत बड़ा दुर्गम है, चूंकि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा मुझे 2 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग का विधायक प्रतिनिधि बनाया गया और स्वास्थ्य से बहुत दिनों से मैं जुड़ा रहा, और मेरा फर्ज बनता है कि उनके द्वारा दिए गए पद पर यथोचित मैं लगातार करूं। अस्पताल की जैसे आपने बोली व्यवस्था सुधरी है, निश्चित रूप से सुधरी है। सिर्फ अस्पताल के माध्यम से अगर स्वास्थ्य की बात देखा जाए तो बेमानी है। आज आप देखिए, आज नदी को जिस तरह से दूषित किया गया है,
300 फीट पर पानी आज भी जिसके घर में बोरिंग है शहर में, 300 फीट के अंदर ही बोरिंग है, पानी निकल रही है। और जिस तरह से नाली में विभिन्न तरह के कूड़ा जा रहा है, अस्पताल का कूड़ा है, होटलों का कूड़ा है, घरों का कूड़ा है, वह कूड़ा जाकर के नदी में एक रासायनिक केमिकल के रूप में, हानिकारक केमिकल के रूप में अपना स्वरूप बनाती है। और वो जो नाली में पानी है, नदी के बीच में जो हल्का पानी जो नाली का जमा है, उस पानी के स्रोत से कहीं ना कहीं भूगर्भ जल में जा रही है। और ये पूरे शहर के जलाशयों का जो भूगर्भ जलाशय है उसको दूषित करेगी। और उस पानी से ही हम लोगों को बचपन से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक के जितने लोग हैं उसका सेवन करेंगे, उसका दूरगामी परिणाम बहुत तरह के स्वास्थ्य संबंधी से जुड़ा होगा, जो हानिकारक हुआ और जानलेवा होगा। साथ ही साथ जैसे आप देखे होंगे दोनों नदियों के तट पर सैकड़ों की संख्या में लोग जाकर के डस्टबिन फेंकते हैं और उसको बाद में खत्म करने के लिए उसको जलाते हैं। वह धुआं शहर के बीचों बीच, दोनों नदी के बीच में शहर है, और जब धुआं उड़ता है तो 24 आवर एक ऐसा क्षेत्र है, पुरानी बाजार, सुधराना बाजार, नमक पट्टी, घड़ा पट्टी, सरस्वतिया नदी के किनारे जो भी नगवा, जर्दी माला, उचरी, राखी माला, ये सब नदी के किनारे हैं। और उसका जो धुआं होता है 24 घंटा हम लोग उसका किसी न किसी रूप में आदत पड़ गया है, हमें लगता ही नहीं है कि हम धुआं के बीच में हैं, लेकिन नए लोग जाएंगे तो उन्हें घुटन महसूस हो रहा है। लेकिन यह बहुत छोटा बात नहीं है, क्योंकि तो हम जल से भी हानिकारक रासायनिक पदार्थ पी रहे हैं और नाक से भी हम लोग श्वास जो ले रहे हैं उसमें रासायनिक हानिकारक धुआं हवा के रूप में हम ले रहे हैं, जो दोनों तरफ से हमारे जानलेवा है जनमानस के लिए। और अब समय आ चुका है कि हम सभी लोग, पक्ष विपक्ष राजनीति से दूर, एक सामान्य जीवन जीने वाले सभी लोग हैं, हम सब मिलकर के नदी को बचाने का प्रयास करें। प्रशासन के तरफ से भी पहल करने की बहुत जल्द आवश्यकता है, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी चला गया है और हम लोग बहुत नजदीक हैं एक एक करके मरने के कगार पर आ चुके हैं। और नदी को बचाने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो आज पहल किया हूँ और उम्मीद है रखता हूँ माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी लगातार इसमें लगे हैं। आज माननीय श्रीमान उपायुक्त महोदय से भी मुलाकात हुई, तो आज मुझे बहुत सार्थक उम्मीद जगा है। उस उम्मीद में यह हुआ है कि जो प्रोसेसिंग प्लांट सुखबाना में है उसमें हाईकोर्ट के द्वारा जानकारी हुई कि मात्र दो कारणों से स्टे हुआ है, एक तो वन विभाग का NOC और दूसरा अंचल विभाग का रिपोर्ट। और उम्मीद है जैसा कि उपायुक्त महोदय ने कहा कि 2 दिनों के अंदर हम लोग दोनों वो रिपोर्ट मंगा करके हाईकोर्ट को देते हैं, और जिस दिन स्टे समाप्त होगा उसी समय से प्रोसेसिंग प्लांट में हम लोग का दम होगा। और एक बात आपके चैनल से जरूर बोलूंगा कि कुछ लोगों के द्वारा अपनी छोटी सी राजनीति के कारण लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और नाम को बदल दिया गया है। उस योजना का नाम है प्रोसेसिंग प्लांट, जहां कूड़े का एक कण भी नहीं बचेगा जाने के बाद, उसको डंपिंग यार्ड के रूप में अफवाह उड़ा दिया गया है और लोगों को दिग्भ्रमित किया गया कि डंपिंग यार्ड है, जबकि डंपिंग यार्ड कहीं भी नहीं है। जैसा मुझे जानकारी हुई कार्यपालक महोदय संजय कुमार पांडे जी के द्वारा कि जो भी कचरा यहाँ से जाएगा तुरंत मशीन में जाएगा और मशीन के माध्यम से ईंट या कोई भी घरेलू उत्पादन, जो प्लास्टिक का अलग उपयोग होगा, कूड़े कचरे का अलग उपयोग होगा, और तुरंत वहां से सामग्री के रूप में निकाला जाएगा और एक भी कचरा वहाँ जमा नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ा 102 करोड़ का योजना है, शहर के लिए भी है कि उस गांव के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगी और सुंदर स्वच्छ शहर भी होगा और गांव भी होगा। तो यह जानकारी हमें समाज के तरफ से लोगों को देना होगा कि जो दिग्भ्रमित किया गया डंपिंग यार्ड के नाम पर, उसका जो सच्चाई है सभी के सामने लाना होगा, ताकि सभी लोग सामंजस्य बना करके अपने शहर को, अपने जिले को बचाने का काम। आज दो नदियों को बचाने के लिए, इसको फिर से उसी स्वरूप में लाने के लिए जो पहल आपने किया है, सभी अधिकारियों से आप मिले, क्या बात हुई इनसे, किस तरह की चर्चा हुई और कब तक पहल होनी? देखिए, जैसा कि अभी बताया कि बात वो उपायुक्त महोदय ने विभाग को भी सूचना दिया है कि जल्द से जल्द जो हाईकोर्ट का निर्देश है उसको तत्काल रिपोर्ट पेश करने के बाद जो स्टे है उसको खत्म करें। और साथ ही साथ सिर्फ किसी राजनीतिक संगठन और प्रशासन के साथ के काम नहीं है, इसमें सभी सामाजिक संगठन, सभी प्रबुद्ध जन, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस मुहिम में जुड़े, सबको जागरूक होना होगा। मेरा जीवन अगर बचा है तो पानी और हवा से ही बचा है। एक जीवन को जीने के लिए जितना महत्वपूर्ण खाना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हवा और पानी है,
और गढ़वा जिला नहीं गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र है वहाँ हवा और पानी दोनों दूषित हो चुका है। इसके लिए हम प्रशासन और राजनीतिक संगठन के ऊपर अगर आश्रित रहेंगे तो हम अपने आप से ही सजा दे रहे हैं। हमें आगे बढ़ करके पहल करना होगा, पॉजिटिव और सकारात्मक पहल करना होगा, किसी भी पक्ष विपक्ष ऊपर उठ करके हम लोगों को नदी को बचाना होगा। उसके लिए मैं एज ए सामाजिक संस्था जैसे लायंस क्लब से जुड़ा हूँ मैं, तो मैं दो तीन बिंदु पर विचार कर रहा हूँ कि जैसे अभी बरसात आने वाली है तो हम लोग क्यों ना दोनों नदी के तट पर स्वतः वृक्षारोपण करें और इस पहल के साथ कि उस वृक्ष को हम लोग बचाएंगे। जैसे अभी आप देखे होंगे कि सबसे खूबसूरत पौधा जो छाया भी रहता है खूबसूरती बढ़ाता है गुलमोहर, क्यों ना हम लोग उस टाइप का न फल का हो न कीमती वृक्ष हो, क्योंकि फल और कीमती वृक्ष काटने पर तुरंत आमदा हो जाता है लोग, लेकिन इस टाइप का सजावटी जो वृक्ष होता है क्यों ना उसको हम लोग दोनों तट पर लगा करके कम से कम शहर को सुंदर बना दें, ताकि जहरीला गैस जो आ रहा है कम से कम उससे हम लोगों को उस पेड़ हमको बचा ले। दूसरा है कि कूड़ा करकट जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हुआ तो प्रशासन के पास एक मात्र कारण है कि नदी के अलावा कहीं नहीं है, तो नदी के आसपास के क्षेत्र में जो लोग असामाजिक तत्व उसको जला करके धुआं देते हैं उसको भी रोकने का पहल करें। प्रशासन के साथ समंजस बैठा करके एक ऐसा चयन करें स्थल जहाँ हम लोग फिलहाल इस नदी से बाहर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ हम लोग फिलहाल कुछ महीनों के लिए वहाँ डंपिंग यार्ड बना करके बाद में वह जब कंपनी प्रोसेसिंग प्लांट चालू करेगी तो उसको हम लोग शिफ्ट कर दें। ऐसा एक सामाजिक संस्था और सामाजिक लोगों के समंजस से कुछ ऐसा कार्य करें ताकि नदी को अभी से आज से ही बचाने का कार्य प्रारंभ करना ही हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका इस पहल के लिए, बहुत सार्थक पहल है। अब आपने जो कहा यह बात सही है कि राजनीति से ऊपर उठ करके, आपसी भेदभाव से ऊपर उठ करके, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके, इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। क्योंकि आप देखे होंगे जरूर कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के गर्भ में आकर के लोग कंक्रीट निर्माण कर दिए हैं, यानी घर का घर बनाया है। तो इसीलिए हमने कहा कि कहीं बाहर से लोग इसे विलुप्त करने में आगे नहीं आए हैं, हम और आप ही इसे विलुप्त करने में सहभागी बने हैं। इसलिए जरूरी है सबकी सहभागिता हो इसे बचाने की, इसे फिर से स्वरूप में लाने की। प्रशासन भी आपके साथ है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक सूबे के मंत्री हैं वो भी गंभीर है इसे लेकर। इसलिए सबकी सहभागिता जरूरी है, जब सब कोई साथ होकर आगे बढ़ेगा तब हम कह सकेंगे कि हम इन दो नदियों के किनारे दांदर और सरस्वती किनारे हम विकसित हुए थे। आज कई जगह नदियां विलुप्त हो गई लेकिन हमने विलुप्त होती नदियों को हमने बचा लिया। आवाज हम देखिए दोनों नदी हमारे शहर में मौजूद है, हमने इसे विलुप्त होने से बचा लिया है। इसलिए सबकी सहभागिता निश्चित रूप से जरूरी है। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।